दोस्तों, हमारा ये दिमाग जिसने दुनिया के सभी आविष्कारों को जन्म दिया, जिसने दुनिया के सभी सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण किया, जिस दिमाग की शक्ति से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम आज तक ये समझ नहीं पाए कि हमारा ये दिमाग आखिर कैसे काम करता है और इसकी लिमिटेशन क्या है। क्या हम अपने इस दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं? दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग बीमार तो जरूर हुए होंगे और अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे, है ना? डॉक्टर अपनी फीस के बदले में आपको कुछ दवाएं देते हैं, जिसका सेवन करके आप कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। कई लोगों को दवा खाने के कुछ मिनट बाद से ही उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। लेकिन क्या हो अगर आपको एक दिन पता चले कि जो दवाएं आपने अपने बीमारी को ठीक करने के लिए खाई थी, वो दवा बस चीनी, स्टार्च और सोडियम का एक मिश्रण थी? जी हाँ दोस्तों, आप चौंकिए मत, ऐसा भरसक मुमकिन है। लेकिन ऐसी सूरत में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको इस बीमारी से ठीक किया? तो दोस्तों, वो चीज कुछ और नहीं बल्कि आपका विश्वास और आपकी उम्मीद यानी कि एक्सपेक्टेशन थी, जिसे आपके दिमाग ने ही जन्म दिया और आप ही के दिमाग ने उस बीमारी का इलाज भी बनाया। दोस्तों, इस फिनोमिना को हम विज्ञान की भाषा में प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैंने आपको आपके मन की शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया है कि कैसे आप अपने मन की शक्ति से कुछ भी पा सकते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड पावर है, जिसके इस्तेमाल से आप कुछ भी कर सकते हो, और ये प्लेसिबो इफेक्ट भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का ही एक उदाहरण है। वैज्ञानिकों के एक स्टडी में पता चला कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति और अपने विश्वास के दम पर कुछ हद तक अपने शारीरिक रोगों को भी खुद इलाज कर सकता है। मतलब हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति का डायरेक्टली हमारे प्रतिरक्षक सिस्टम पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और इसी प्रभाव को द प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। और ये प्लेसिबो इफेक्ट आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है कि कैसे महज इंसान की इच्छा शक्ति और उसके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से बड़े रोगों को ठीक करने का मादा रखता है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट से जोड़कर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनमें से कुछ घटनाओं को और इस प्लेसिबो इफेक्ट की शक्ति को। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के बहुत सारे सैनिकों को दवा और इलाज की जरूरत थी। बढ़ती डिमांड के कारण अमेरिकी सेना के पास दवाओं का अभाव पड़ने लगा। एनिस्थीसिया की जब कमी हो गई तो डॉक्टरों ने अमेरिकी सैनिकों को पानी से भरे इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, और चौंकाने वाली बात ये थी कि उन पानी वाले इंजेक्शन से अमेरिकी सैनिक चमत्कारी रूप से ठीक होने लगे और उन्हें दर्द से आराम मिलने लगा। उस समय सैनिकों को ये नहीं बताया गया था कि इंजेक्शन में दवा की जगह सिर्फ पानी था, और इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। दोस्तों, प्लेसिबो इफेक्ट हमारे विश्वास और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक अदृश्य शक्ति है जो पूरी तरह से इंसान के विश्वास पर टिकी होती है। दोस्तों, आप में से कई लोग सुबह उठकर चाय पीने की आदत जरूर होगी, और अगर आप सुबह में चाय ना मिले तो सिर में दर्द आपको होने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो सिर्फ एक बार चाय पी लेंगे तो उनके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भी एक प्लेसिबो इफेक्ट का ही उदाहरण है कि सिर्फ एक चाय की प्याली आपके सिर दर्द को ठीक कर देती है, जबकि वैज्ञानिक मतों के अनुसार चाय में ऐसी कोई तत्व नहीं होते जो आपके सिर दर्द को ठीक करने में सक्षम हो। ये बस आपका बिलीव होता है, आपका विश्वास होता है, जो इस प्लेसिबो इफेक्ट को जन्म देता है। चलिए हम एक और उदाहरण से इस प्लेसिबो इफेक्ट को समझते हैं कि आखिर प्लेसिबो कैसे काम करता है। अमेरिका के एक स्टडी के दौरान कुछ खिलाड़ियों को दो तरह की एनर्जी ड्रिंक दी गई, जिसमें से एक ड्रिंक का प्राइस $10 था और एक का सिर्फ $2। अब इन दोनों ड्रिंक्स को बारी बारी से पीकर उन खिलाड़ियों को कुछ फिजिकल एक्टिविटी जल्दी से जल्दी करने को कहा गया। अब इस टेस्ट में पाया गया कि $10 वाली एनर्जी ड्रिंक को पीकर खिलाड़ियों ने बड़े ही तेजी से
उन एक्सरसाइज को पूरा किया, जबकि $2 वाली एनर्जी ड्रिंक को सभी खिलाड़ियों ने बेकार बताया। लेकिन इन सब में सबसे कमाल की बात ये थी कि $2 वाली और $10 वाली दोनों ड्रिंक्स ही एक ही थी, और इन ड्रिंक्स में सिर्फ पानी और चीनी का एक सिंपल मिश्रण था, जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स वाली कोई भी मेडिसिनल क्वालिटी नहीं थी। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग ने ये मान लिया कि $10 वाली ड्रिंक्स ही अच्छी होगी, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा थी और ज़्यादा कीमत वाली चीज़ों को ही हम अच्छी क्वालिटी का पर्याय मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को सकारात्मक रूप से देखोगे या फिर करोगे, तो वो आपके जीवन में अच्छा प्रभाव ही डालेगी। वैज्ञानिकों का इस प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में ये कहना है कि ये बस आपकी विश्वास और आपकी उम्मीद यानी कि एक्सपेक्टेशन ही इस प्लेसिबो इफेक्ट का कारण है। यानी कि आप किसी चीज़ को लेकर जितना सकारात्मक सोचेंगे, आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपको उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको विश्वास है तो आप बस एक कप चाय से अपने सिर दर्द को ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको विश्वास उस चीज़ पर ना हो तो महंगी से महंगी दवाएं भी आपको ठीक नहीं कर पाएंगी। तो बस अपने आप पर विश्वास कीजिए और अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के कीजिए, आपका रिजल्ट अपने आप मिलने लगेगा। तो चलिए इस सकारात्मक सोच के साथ ही अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो में बताई गई बात पसंद आई हो, आई होप आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी अपने ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने इस दोस्त और होस्ट रोहित को दीजिए इजाज़त। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।